नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे लीसा इंडस्ट्रीज के बारे में। लीसा इंडस्ट्रीज के अंदर आज के दिन स्टॉक के अंदर हमको 3.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ये एक पेनी स्टॉक है। आपको पुराने वीडियो में बताया था, जब मार्केट हमारा खराब हो रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी गिरने लग गए थे, तभी बताया था कि यहाँ पे पेनी स्टॉक को ना सेल कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सेल करने के लिए किस लिए मैं आपको बताया था, देखिए पेनी स्टॉक कभी भी भागता है ना, जब निफ्टी बैंक निफ्टी ना मजबूत होती है तब पेनी स्टॉक के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। अब ट्रेंड में पेनी स्टॉक में कौन आता रिस्क लेने के लिए, जब मार्केट मजबूत होता है तब सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर यहाँ पे ना मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो वो जो रिस्क होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर ही हमको देखने को मिलता है, जब निफ्टी बैंक निफ्टी मजबूत होता है। और जब मार्केट ही हमारा मेन मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पर पेनी स्टॉक में कौन रिस्क लेने आएगा, जिस वजह से यहाँ पर ना हेवी सेलिंग होने लगती है। अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए आज के दिन स्टॉक ने ना पहले तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंट लेकर ट्रेड कर रहा था। जैसे यहाँ पे कैंडल को जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ना अच्छा लेकर ट्रेड कर रहा था, मगर सेकंड हाफ में क्या हुआ, सेलिंग आ गई, जिस वजह से यहाँ पे ना फिर दबाव आने लग गया। तो थोड़ा सा मार्केट अभी और मजबूत होने देना चाहता है, और तब इसमें ना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर कई लोग आएंगे। तो आपका पहला टारगेट रहना चाहिए नीचे की तरफ रहना चाहिए, जो कि 1 रुपया 1.90 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 1.90 रुपये पहला टारगेट रहेगा नीचे की तरफ का। एक बार ये इस लेवल पे आ जाता है और निफ्टी मजबूत हो जाता है, तो फिर यहाँ पर ना कुछ लोग रिस्क लेने आएंगे। और ये स्टॉक जो है ना 52 वीक पे लो पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑल टाइम लो पे ये ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा रिस्क लेना और भी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो 1.90 रुपये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से अपसाइड का मोमेंट शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 2 रुपये का, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो है 2.50 रुपये तक का हो सकता है। तो सारे कंडीशंस आपको बता दिया हूँ। चैनल परिवार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाइसल को रिकमेंडेशन। जय हिंद।